ऊंचा रोया कर, मेरा नाल है किया कर। तुझे किसने कहा है मैं रोने से अमीर गरीब हो जाता है, रोने से कमी सरदार हो जाते हैं, सरदार हो जाते हैं। अल्लाह छुप के न रोया कर जी बाबा जी। अब मैं सदके जा बोल रखे सर पे कुरान रख, मावीर आते ने हवेली ते अमीर की आई तो गरीब पढ़ता पे इमाम शक्ति के समय अठाई रजब नू ये जो गुरबत आई है सात साल की धी हुसैन की उजड़ी है, पता नहीं कि अमीर है बाबा बंदा इतने को हाथ है तो सिर से नहीं आया। एक बार हाय सारे करो, एक बार सारे है करो, तेन बंदा नहीं अली दियां धीयां घर बार आ गई ने और कायनात की मलका का कदम बाहर आ गया। अल्लाह अकबर के हाल हो गया बुजुर्गों का, चिट्ठियां दाड़ियां हंजू नाल भरी गई। वाह वाह जी साहब जी हो गया जी जी कदे ना रोवे। अल्लाह अकबर आसिफ मैं सब तो निकल आ गया हुसैन दा मकसूद जिसे दिल करे मेरे नाल टाइम पढ़ा मैं तेन किताब न दिया मेरे माशा तक न मलिक साहब के फरमाते ने अद्धी रात जो हो गई मालिक कमालिये से गुलाम अली मरहूम के दर्जात पर फरमाए। बड़ा कमाल जाकिर था, उसने अपनी एक मजलिस पढ़ते हुए कहा था और सुनो यही है कि मजलिस खत्म हो गई थी मैं उस मजलिस में था नहीं। किसी ने कहा जी इतनी देर क्यों लग गई, उन्होंने फरमाया बस मैं तेन की दसा बहन नू चढ़ांदिया देर लग गई धी नू लांदिया। मैं सदके मलिक जी और पुत्रां दे शारा हुई ओए आउण दी जरूरी है मां तो माला पुत्र नू वारिस अदा करनी। अल्लाह हो अल्लाह हो गिण के दो में हर बीबी परेशान थी अल्लाह जाने हुसैन ले जाए ना ले जाए, मुतमैन थी सिर्फ सुगला मसैब ते मैं पड़ गया तुसा गौर नहीं कीता तैम साहब मैं घंटे का ना रखे होया ना साहब तो पुत्र मैं पढ़ गया मैं कह मुतमैन थी सिर्फ मेरी शहजादी सुगला सलवातुल्लाह अलैहा सलामुल्लाह। घर की किसी करीज ने हजर की मलका से कहा हर बीबी परेशान है अल्लाह जाने हुसैन ले जाए ना ले जाए आपका क्या ख्याल है। हजर की मलका ने कहा कोई जाए ना जाए मैं जरूर जाऊंगी, मुझे ले जाना मेरे बाबा की मजबूरी है, बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता अकबर मेरे। जेने बहुत अमीर हो बिल्कुल है ना करो, जेने गरीब हो एक बारी हर गरीब बंदा हाथ मारे सीने से गरीबों की तरह हाल हो हाय। बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता ऊंचा रोया कर, धाड़े मार मार के रोया कर, जैसे लाशों पे जनाजों में रोते जैसे वो मुर्शिद रो रहे जैसे वो बुजुर्ग रो रहे। आप मेरे सर पे ले आ कुरान, अब्बास वो बहादुर है जिसे जमाने ने रमजान में अली की शहादत पे रोते नहीं देखा, दिल दिल में रोया है ऊंचा नहीं रोया कि ईद पे मेरी बहने न मर जाए। हसन के जनाजे पे तीर नहीं चले अब्बास के दिल पे चले, लेकिन गाजी ऊंचा नहीं रोया कि अली की बेटियां न मर जाए। ये कुरान है मेरे सर पे तू रो ना रो तेरी मर्जी, जिसे जमाने ने अली की शहादत पे रोते नहीं देखा जिसे हसन के तीरों में रोते नहीं देखा वो 28 रजब को मदीने की गलियों में अमामा उतार के ऊंचा ऊंचा रो रहा था फसाहल अब्बास कह रहा था वो मेरे कतल ते मुगजन दी और तेरा कदम ना अली दिया धीरा माता हजरत कमल अल्लाह हजरो कमल अल्लाह हजरो कमल अल्लाह। कयामत आ गई उस वक्त जब अब्बास ने इतला दी मौला मेरी मजबूरी है, उसका नाम फहरिस्त में नहीं है वो महमल में सवार, मेरी जरूरत नहीं तेरी बेटी को उतार, तेरी अपनी मर्जी मैं से जुमले से छोड़ के जा रहा मसूद। अब मैं से गरीब का इम्तिहान कहूँ
अकबर का मुकद्दर कहूँ, छोगरा की गरीबी का आगाज कहूँ बाबा रक्षा, मैं इसको क्या नाम दूँ। जिस अकबर के आश्रय में सवार हुई थी हुसैन ने उसी अकबर से कहा, जा बहन बोला। हुसैन ने उसी अकबर से कहा, जा बहन को महमल से उतार। लफ्ज नहीं मिले नहजुल बलागा के खालिक के पोते को, महमल के नीचे आके रोया। तू जवान है ना पुत्र, तू रो नहीं सकिया। घर जाके बहन को पूछी, बहना मर जाती है, जवान भिरा सामने रोए। अकबर के रोने की आवाज सुमला के कानों पे गई। महमल का पर्दा हटा के फरमाती, अकबर में तो सवार इसलिए हुई थी कि अगर मैंने गई तो तू रोएगा, अगर तू मेरे जाने से रोता है तो रोना मैं उतरती हूँ। अकबर तू रोना मैं उतरती हूँ, अकबर तू रोना, अकबर तू सदगे। आखिरी अंदा जुमला, अकबर तू रोना मैं उतरती हूँ ना। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मकसूद जानता है मैं ये मनमून 25-30 मिनट पढ़ता हूँ। आखिरी आधा मिनट पढ़ के मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ। हजार शौकत कुर्बान करूँ किबला मखदूम जाफर समान अल्लाह मकामों के इस एक जुमले में बाबा जी उन्होंने अपने सरे की मकालों में लिखा है, पता नहीं कीवें चढ़िए पता नहीं कीवें लथिए, अकबर दे दामन झाद बा के आके अकबर माशाल्लाह अरमान राशी तेरी चढ़ी जांज तो लथी वेली। अकबर माशर तई अरमान राशी वे तेरी चढ़ी जांज तो लथी वेली। शौकत साहब जिसकी इतराज फरमाए और इनके में और इजाफा फरमाए, बहुत बेहतरीन हुसैनियत पे बोले हैं, बहुत बेहतरीन उन्होंने नज़म पढ़ी है। मौला इनके में मौल की जबान में और तासी करता हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि जितना मेरे बेटे मकसूद जाफरी ने मेरे बारे में कहा है। मैं तो खताकार आदमी हूँ, गुनाकार आदमी हूँ, मेरी ना कोई हैसियत है ना कोई मुकद है। लोग आजकल के दौर में उस आदमी से इज्जत करते हैं जो सरमायादार हो, जागीरदार हो, बिजनेसमैन हो। उस आदमी की लोग इज्जत करते हैं जिसके पास दौलत हो, दौलत के रेट पे लोग। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जलील से मेरी